जी सर, ये स्कैन से फाइनल करवा दें जल्दी से, एक और क्वेश्चन करना था। स्कैन स्कैन लिमिटेड, इसके अंदर एलोकेशन टेबल मेरा रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा ये रेलिवेंट नहीं है चीजें, दोनों से दोनों में से कोई भी लेस हो सकती है। पहले ये बातें तो बहुत दफा हो चुकी हैं, नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी वाली होनी है, बाय प्रोडक्ट की भी लेस होनी है, अगर सेम डिपार्टमेंट से होनी है तो जो मर्जी पहले कर। ये एलोकेशन टेबल कंप्लीट की भाई करिए। बड़ा किस क्वेश्चन में आंसर सेम नहीं आ रहा, अगर सेम डिपार्टमेंट में तो जिसको मर्जी पहले कर लो। बेटा दैनिक वाले सवाल में नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां पर, और शैनिक वाले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां है? तो बेटा उसमें नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू तो यहां लेस होनी कभी नहीं है। जब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू में तो लॉस से लेस होना होता वो तो है, अगर हो भी तो यहां से लेस नहीं होनी। अब नॉर्मल लॉस की यहाँ रिकवरी वैल्यू कौन सी, अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी है, उसकी रिकवरी वैल्यू यहां से नहीं, उस लॉस की कॉस्ट में से नेट होनी है, और कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले अब जितनी रिकवरी वैल्यू से वो लेस करेंगे। बेटा पहले रिकवरी वैल्यूज लेस करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, और हमेशा उसके बाद कॉस्ट एलोकेट किए। अब डेफिनेटली अगर आप नया तो तरीका अडॉप्ट करेंगे उससे डेफिनेटली प्रॉब्लम आनी है। जी सर, ये स्कैन की तरफ फिगर्स फाइनल करवाइए। एलोकेशन टेबल कंप्लीट हो गया सर, एनआरबी इसके बनी है, फिगर्स बहुत तरीके करनी है मेरे पास। थ्री बाई सिक्स, जस्ट एक सेकंड, 356 33 88 00 क्यू के लिए कहिएगा। 197 000 200 थर्ड वन 115 0 96 96 156 156 टोटल बता दूंगा 668 632 156 156। ये कॉस्ट एलोकेशन करवा दो। 276 एक सेकंड, जस्ट तो ये जो एलोकेशन आप कर रहे हैं ना, इस एलोकेशन में आप देख ही रहे हैं कि जो यूनिट्स बने हैं उनकी सेल वैल्यू क्या है, ऐसे ही? और फिर जो यूनिट्स बने हैं उनको बेचने पे कितने खर्चे होंगे, तो उसकी क्या वजह है कि हम यूनिट्स बने हुए को कंसिडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है,
बाकी डेफिनेटली जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस के यूनिट्स के आएंगे, एक्सपेंसेस में जो यूनिट सेल होंगे, तो ये फाइनल जरा एलोकेशन ऑफ पेनल्टी इधर बताइएगा। नहीं बेटा 276 9 8 5। नेक्स्ट वन 153 23 00 15 894 894 34 260 260। ठीक है, इस वर्किंग में शुद्ध नियम जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी सर, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर आने में स्टेटमेंट आपने एक बार ट्राई किया लोगों ने, पी और क्यू की तो बेटा वही जो कॉस्ट एलोकेट हुई है वही फाइनल कॉस्ट है, तो वही फाइनल कॉस्ट। सॉरी जरा मुझे जरा फिगर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर लिखवा दें कोई एक लिखवा दे पेंडी दिस, अगर किसी ने किए वर्क कोई एक लिखवा दे, बाकी सब चेक कर ले मैं सही लिख रहा हूं। 276 88 9 3 2 5 153 2 2 3 0 00 15। आर के लिए लेकिन जरा एक एफर्ट और करनी है, आर में क्या ऐड होना है यहाँ, तो आर के लिए फिगर जरा साइड पे लिखा हूँ, 8 9 4 3 4 2 6 0 प्लस 170 16 0 16 2 5 2 5 टोटल हो जाएगा 10645 0 5 0 4 0 5 0 5 0 5 1 0 5 1 0 ये देख लेंगे जी सर। स्टॉक्स में ये करने थे, इसके बाद पी और क्यू में कोई इशू क्यों नहीं है, तो ये तो सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिगर्स बन जाएगी हमारी 16 16 70 84। सेकेंडली 11 111 76 15। ये ट्रिपल वन है, एक और वन है, 71 76 15 9। ये कैसे है ये फिगर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये तो होगी वर्किंग, ये कोई जरूरत तो नहीं इसको लिखने के बड़ा। अब इसको मैं होपफुली आपने कर लिया होगा, इसमें भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि ओपनिंग यूनिट्स बिक गए हैं, देख लीजिए सेल जी सर, बेटा पहली बात ये है कि ये कोई इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहे, अगर आपने 3 डिजिट्स ले लिए हैं 4 ले लिए हैं ये कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड ये किया था कि 2 डिजिट्स तक कर लें और उसके बाद राउंड ऑफ कर लें, तो अगर 1 2 4 5 10 50 रुपए का फर्क आ गया है तो ये बेटा मिलियंस में फिगर्स हैं, करोड़ों में फिगर्स हैं, तो ये तो कोई इशू नहीं, तो अगर आपने 4 डिजिट्स में ले लिया जिससे कोई फर्क पड़ गया तो वो इशू नहीं, तो ये कोई इशू नहीं है, इसको प्लीज खौफ को जहन से निकाल दो। अगर इस वजह से पेपर खुदा ना खासा फेल होता था तो मैं तो AFC के PM की तैयारी दोबारा कर रहा हूँ, नहीं हकीकत बता, अब ये कोई इशू नहीं है, अगर राउंडिंग ऑफ इशू होता तो यकीनन राउंडिंग ऑफ का एक अलग पेपर आई के आपने बनाया होता, तो ये कोई इशू, ये खौफ निकालने जहन से, मेरा 1 रुपया डिफरेंट आ रहा है मेरे 5 रुपए फर्क, ये बेटा राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, एग्जामिनर पेपर देखने वाला ये नहीं देख रहा, तो इसको खौफ को मैंने प्लीज इसलिए कोशिश की है ये खौफ निकालने, अब ऐसी अच्छी भली चीजें की हुई है मैं परेशान है, तो ये कोई इशू नहीं है, वो वैसे ही मैंने कहा था यार कि 2 डिजिट्स तक चले दें वो 3 बजे चले दें, वो मैंने इसलिए कहा था कि जरा एक जैसी फिगर आ जाए करे क्लास में और हम परेशान ना हो, वरना किसी ने 3 4 डिजिट में यूज कर लिया कैलकुलेटर वाला पूरा आंसर यूज कर लिया वो कुछ नहीं है, प्लीज इस खौफ को बाहर निकालना चाहिए जी सर। मेन फिगर लिखवाए लिखवाए सर 39 ये होगी वर्किंग 54
आर की ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है? 39 133 37। ठीक है भैया, सही, किसी और ने भी किया होगा, मैं पूछ रहा हूँ। सही लिखा है। इसकी वजह से बेटा गाड़ी की कॉस्ट ऑफ सेल और आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, मेरा ख्याल है मैं वो रहने देता हूँ, तो जो भी आ जाएगा मैं एंड में फिगर लेकर था। मैंने बस सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस लिखवा दो, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस वाली लाइन पढ़ रहा। अब देखिए यहाँ जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ले रहे हैं ना, आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो एक्सपेंस सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो यूनिट्स बने हैं या सेल होना चाहिए, तो इसमें फर्क क्या है? एलोकेशन टेबल दोबारा देखा रखें। एलोकेशन टेबल सिर्फ इसलिए बना है ताकि जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो एलोकेट हो जाए। हाँ, किस तरीके से उसने एलोकेट करने को कहा? एनआरवी मेथड से। लेकिन उस खर्चे से बना क्या है? यूनिट्स बने हैं या यूनिट्स बिके हैं, प्रोडक्शन नहीं या सेल नहीं? तो हाँ बेटा, प्रोडक्शन की बेस पे वर्किंग एक हो गई है, लेकिन डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए? सेल। सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल क्यों आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों नहीं आती? जो यूनिट्स बिके उन्हीं की कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट आएगा, और आगे भी वही यूनिट्स जिन बिके उन्हीं के एक्सपेंसेस आके नेट प्रॉफिट निकल रहा है। एक दोबारा से सोच लें, क्या यूनिट्स बेचने से प्रॉफिट होगा या यूनिट्स बनाने से? तो फिर बेचने पे जो खर्चा हुआ है वो आपने कंसिडर करना। हाँ, बेचने पे यूनिट्स बना के बेचने में क्या क्या खर्चा होता है? यूनिट्स को बनाना पड़ता तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में होता है, जो बनाया है उसकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल में, और जो अदरवाइज खर्चे हैं उनको बेचने में, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन, बेचने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस, वो फिर ज्यादा कंसिडर होगा। तो यहाँ वर्किंग कैसे होनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वर्ड्स लिखे हुए? वर्ड्स लिखे हुए ढूंढने जरा, क्या वर्ड्स पूरे? 12% ऑफ सेल्स, कौन सी सेल? जो सेल नजर आ रही है। अब कौन सी सेल नजर आ रही है? कौन सी सेल? कौन सेल? सेल वो सेल है तो जो फिगर स्टार्ट में आ रही है, अब इनका 12%। ठीक हो गया, तो फिर दूर हो गया। प्लीज आंसर्स में लिख रहा हूँ, मैच करें करें। जी कोई बता दें प्लीज। 40850034030304 बादल, आई होप आप लोगों ने अपनी तरफ से कंप्लीट जरूर कर लिए। और लास्ट वन 111003132। चलेगा, फिर ठीक है। तो बाकी मेरे नेट प्रॉफिट वगैरह कर लेंगे, नेट प्रॉफिट जी जो मैंने फिगर्स लिखी है बेटा, ये इसमें कोई देख तो नहीं है स्टॉक्स वगैरह खासतौर पर। जी आर का क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, आर के क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ठीक है मेरे? 39136। तो काशिप साहब, आप बेटा बार बार ये मैसेज रिपीट करने के बजाय कैलकुलेटर पर दोबारा वर्किंग कर लो। अब कैलकुलेटर उठाएं, पहले दोबारा वर्किंग कर लें। 106450510, इसी में से स्टॉक के यूनिट्स बचे हैं, तो डिवाइड बाय प्रोडक्शन करें, मल्टीप्लाई बाय स्टॉक करें। जितनी दफा आपने मुझे मैसेज सेंड किया है उसकी बजाय अगर कैलकुलेटर पर आप रिकैलकुलेट कर लें तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाए। जी फाइनली एनी कंफ्यूजन इन दिस ओशियनिक एंड स्कैंट? और बेटा उसने एक परसेंटेज दे दी है सेलिंग एडमिन, क्या उसमें अब सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं? बेटा इसमें एडमिन भी शामिल है, ये एडमिन एंड सेलिंग है, क्या इसमें सेलिंग है? लेकिन इसमें एडमिन भी है, ये गिवन है। अगर इस ये गिवन ना होता तो हम वैसे कर लेते, लेकिन वैसे क्यों नहीं रिकनसाइल होगा? वो सिर्फ सेलिंग है, ये एडमिन एंड सेलिंग है। जी क्लियर है प्लीज, और तो नहीं कोई कंफ्यूज? चले सर, बुक खोल जरा, अपने नोट्स खोलिए जरा। जहाँ ओशियनिक था उसके नीचे एक क्वेश्चन और है। ऑनलाइन स्टूडेंट सब करें प्लीज।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया फर्क? एबीसी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन, ये भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से शुरू करें, फिर मिलजुल के एंड करते हैं। रजिस्टर खोलें, इसको खुद से पढ़ें, इसे एक डायग्राम बनाए, वर्किंग बना के बनाना क्या रिक्वायरमेंट देखा था, वही मेरा अगर स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन वगैरह करनी है तो वो कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ें आराम से, टेक योर टाइम, लेकिन अब ये मैक्सिमम ठीक होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक शायद नई चीज है, वो भी बाद बीच में कर लेता हूँ। कौन सा पेज है सर ये आपके नोट्स का? मेरा 22 पेज है। स्टार्ट रीडिंग एंड एक पेज छोड़ दें पहला, इसके बाद किंग करवाएगा। आप अपनी इसमें डायग्राम बना लें, मैं फिर 5 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ फिर वो डायग्राम। बेटा किसी भी एक प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, तशाम साहब ढूंढने, उसे डिवाइड कर दें प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, और प्लीज बेटा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दे यार, बस करो बेटा। अभी कब तक ही फिगर्स लिखवानी मेरे से, मैं फिर लिख लूंगा, आप फिर देख के लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आ गई है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें, और प्लीज क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है, प्लीज सॉल्व करें।
जी सर, ये हो गया सर यहाँ पर। ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा कर लिया, देखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट से कंप्लीट कर लिया अपना सर। कर रहे हैं फिर शुरू करूंगा। चले सर, पहला डिपार्टमेंट था, जरा देख लीजिएगा प्लीज। पहला डिपार्टमेंट था अल्फा, उसमें कितने लीटर्स इनपुट हुए? नहीं सर, उसमें 2 मिलियन लीटर्स इनपुट हुए और उन लीटर्स की कॉस्ट थी, एक नेक्टर रॉ मटेरियल का नाम रखा हुआ था, 2 मिलियन लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल नेक्टर, उसमें फिर 3 मिलियन इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट थी और बाकी फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1.675 मिलियन, मीन 1675000 रुपीज में लिखा मैंने। वहां से बना क्या क्या? 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट अल्फा वॉज अनफिनिश्ड कोको, अनफिनिश्ड कोको। 50% मीन 1 मिलियन, लेकिन इस वक्त उसकी कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं है। It was transferred to beta. It was transferred to beta. ठीक है? Where it is further processed at an additional cost of 8.1 million. 8.1 million. ठीक हो गया? लेकिन वहां फिर क्या हुआ? Normal wastage हुई 16% of the input. इसकी quantity लिखवाई गई थी 160,000 liters. ठीक है, liters. रिमेनिंग फिर कितना बचा? 8,40,000 liters. फिर इसकी एक एक्सटर्नल मार्केट है, तो फिर इसने 10 पे सेल होना, वो फिर वर्किंग करते हैं, कॉस्ट एलोकेशन करते हैं। ठीक हो गया ये बीटा तक? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक कर तो बता दो। चले आगे, अगले पैराग्राफ पे आ रहे सर। Other 50% of the output from the joint process is in department alpha was in the form of processed nectar. It was all transferred to department gamma. अब gamma से आगे जरा working देखिए। As there was no outside market for the processed nectar in department gamma, it was further processed with no wastage. इसका खर्चा कितना? 30.9 million. या 30.9 million further processing cost आ रही है gamma. गैमा में क्या हुआ? 72% ऑफ द आउटपुट ऑफ द गैमा वाज इन द फॉर्म ऑफ फॉर विच देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट, इट वाज ट्रांसफर टू, फिर यहां से कोई नई गेम शुरू हुई है, यहां से बना शायद अनफिनिश्ड सोडा, अनफिनिश्ड। और इसकी एक परसेंटेज दी हुई है 72%, मेरा ख्याल है 720 हो रहे हैं। और फिर इसने दोबारा डेल्टा में जाना है, उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, लेकिन इसका बाकी किधर गया वो भी देख ला देंगे। एक मिनट, एक मिनट, इसने फिर आगे जाना है, इससे पहले आ जाए वापस सर। इट वॉज ट्रांसफर टू डेल्टा बट इट वॉज सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, बल्कि उसकी भी दी हुई शायद, वही वही करना। फिर इसने डेल्टा में जाना और डेल्टा का खर्चा 7,19,000 है। नॉर्मल स्पाइलेज ऑफ 16 पॉइंट, ये प्लीज साथ है कहा मैं 16.67% ऑफ द इनपुट टू द फिनिशिंग प्रोसेस वॉज ऑब्जर्व, द स्पॉइल्ड मटेरियल वॉज डिस्पोज ऑफ विदाउट चार्ज एज एफ्लुएंट, तो नाम उसका रखा हुआ। द रिमेनिंग फिनिश सोडा वॉज, अब यहां से फर्दर भी शायद गेम है, सेवन डेल्टा में कितनी क्वांटिटी गई थी, फिर यहां से क्या सॉल्व किए? अब 16.67% इसमें से क्या है? एक लॉस और है नॉर्मल स्पाइलेज, 16.67% बना 1 to 0, 0 to 4, तो ये क्या हो गया यहाँ नॉर्मल स्पॉइलेज, तो
नॉर्मल लॉस आ गया 1 to 0, 0 to 4, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर पे क्या बनी, ये फाइनली फिर बना फिनिश टोटल। तो इसकी फिर क्वांटिटी बन जाएगी 5599976 लीटर्स। ठीक है जी, क्वांटिटी की हद तक। लेकिन लास्ट पर अगर मैं जरा गैमा में वापस आना, द रिमेनिंग 28% आउटपुट ऑफ द डिपार्टमेंट गैमा वाज इन द फॉर्म ऑफ फिनिश क्रस्ट विच इज अ बाय प्रोडक्ट। जी क्वांटिटी बता दें, 28% मीन्स 280,000 लीटर्स, और इसका नाम रखा हुआ उसने क्रस्ट, लेकिन है ये बाय प्रोडक्ट। लेकिन बाय प्रोडक्ट बेटा बनी है गैमा में, फिर इस पे एक नहीं रहे वो पढ़े दर आगे नहीं, उसमें एक नई भी चीज है, इट इज सोल्ड एट, अभी बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है, इट वाज सोल्ड इन द मार्केट एट 8 पर लीटर, बट ड्यू टू द डेंजरस नेचर स्पेशल डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 70,000 was observed in this respect. अब ये वाली बड़ा kindly गौर से देखिए, बायोटेक का ट्रीटमेंट फाइनल कर रहे हैं सर, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट एलोकेट करते हैं, लिखा तो नहीं हुआ वैसे, कॉस्ट एलोकेट नहीं करते। फिर इसके मेथड्स तीन है, सेल एदर इनकम या नेट करते हैं उसे। तो अब जरा यहाँ पढ़ के देखें कौन सा मेथड बताया था, मेरे ख्याल फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं बताया वैसे, ट्रस्ट का भी कुछ बताया होगा। हाँ सर, अब ये इसका ट्रीटमेंट नहीं बताया, ठीक है, तो सर ये बताया हुआ कि सोडा बनाते हुए बाय प्रोडक्ट बनती फर्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं बताया हुआ कि सेंडेट करना, लेकिन ना भी बताया तो फिर वो थर्ड मेथड ही होता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी नई चीज आ गई है, ये साजरा व्हाट्सएप देखिएगा जी। अब डेफिनेटली बना बनी कहाँ है, बाय प्रोडक्ट बनी किस डिपार्टमेंट में, तो आप गैमा में सिलेक्ट करेंगे या ये अल्फा में सिलेक्ट करेंगे, तो जिस डिपार्टमेंट में होना तो उसने वहीं सिलेक्ट है, लेकिन उसमें जो नई चीज है जो पहले नहीं आई वो मैं डिस्कस करता हूँ। रिकवरी वैल्यू तो बेटा यहीं सिलेक्ट होनी है, ये तो क्लियर, जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट है उसी से फिटनेस होनी है, लेकिन ये लेस कैसे होनी है ये कंडी जरा फिगर जरा देखो। मैं सब क्वान्टिटी कितनी है आपके पास, 280,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, लेकिन एक नई चीज ये है जरा एंड में देखें, जरा ये 20,000 इंटू 8 कमाने के लिए बल टू 40 समथिंग बन जाएगा शायद, ये रिकवरी वैल्यू कमाने के लिए हमें खर्चा भी करना पड़ना, ठीक है। तो 70,000 पे जरा गौर करें, क्या इसके एक डिस्पोजल कॉस्ट सॉर्ट ऑफ है, तो यकीनन 20 to 80,000 इंटू 8 तो आपको मिलना है, लेकिन ये कमाने के लिए आपको 70,000 की कॉस्ट भी इंकर करनी है इसी बाइक प्रोडक्ट के, तो यकीनन आपने इसे नेट करना है, लेकिन अगर इसी को कमाने का कोई खर्चा है तो फिर आप नेट रिकवरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये चीज पहले नहीं आई है इसलिए मैं जरा इसको जरा लिखना चाह रहा हूँ, ये 280 इंटू 8 क्या आ जाएगा, रिकवरी वैल्यू आ जाएगी, नहीं मतलब रिकवरी वैल्यू आ जाएगी, और उसमें से फिर मैं क्या लेस कर रहा हूँ, नहीं मतलब मीन्स टू से ये 70 क्या है, मतलब कॉस्ट टू सेल है शायद, सॉर्ट ऑफ बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कैरिज ही है, स्पेशल डिलीवरी कॉस्ट कैरिज टाइप है, बेचने का खर्चा। तो व्हाट इज द नेट रिकवरी वैल्यू, 2170000, एक एंट्री बोलने जरूर बाद में, कैश एंड सीवर डेबिट है और गैमा की फर्दर प्रोडक्शन कॉस्ट है, नेट आंसर अगर बताओ 2873 28.73 मिलियन। बाकी क्वांटिटीज की हद तक तो आपका ठीक होगा, रुपीज तो मैं बीच में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ,
मैंने जरा कैंडिडेट के सामने 12 रख दिए, किसी अगर जगह इश्यू है ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछ रहा हूँ, बाद में देख पहले देख लें एक नज़र, फिर बाद में अगर आपकी कहीं मिस्टेक होगी तो वो ठीक कर लीजिएगा। ये बेटा 70,000 कॉस्टिंग करोनी है टू सेल दिस बाय प्रोडक्ट, तो यकीनन हम अर्न कर सकते हैं 2,80,000 इंटू 8, 22 पॉइंट समथिंग मिलियन बनेंगे, 2.24 मिलियन शायद, लेकिन 70,000 इज द कॉस्ट टू अर्न दैट रेवेन्यू, तो फिर नेट रेवेन्यू शायद कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये आप लोगों का तो नहीं कोई क्वेश्चन? चलिए आप रिक्वायरमेंट ये पढ़े फिर आगे चलें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कम आगे बनाए, आप एलोकेशन टेबल बनाना आपने, मेरा ख्याल सेल वाली मेथड ही है, तो करें अभी ये काम दोबारा, फिर 5 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह मैं फिर लिखता हूँ एलोकेशन टेबल फाइनल करें। बाकी अब नहीं इशू है, वो ठीक है, एक बीच में दो डिपार्टमेंट आगे रस्ते में, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। नॉर्मल लॉस जहां जहां निकला है उसकी कोई रिकवरी वैल्यू ना होने की वजह से वो सिंपली इग्नोर हो जाना। जी सर, स्टार्टिंग क्वांटिटी बता दें, कहां से शुरू करेंगे? टेबल ही शुरू किया अभी, 840 और 5। ये 840,000 कोको, ठीक है जी, और सोडा बता दें, 5.56। ये ठीक है जी, प्लीज 5,999, 7,6। ये बहुत दूर नहीं चले गए हम, जॉइंट प्रोसेस ऑफ अल्फा, हाँ जी, लेकिन वो गुड्स वहां सेलेबल ही नहीं है, कहाँ से वापस आना पड़ना है विद रिस्पेक्ट टू कोको? बीटा से वापस आना पड़ना है ऐसे ही, और सोडा के लिए कहाँ से वहां पे आना पड़ना है? वो दो रास्ते में पड़ते हैं उसके, गैमा और डेल्टा दोनों, तो गैमा और डेल्टा दोनों के हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा हो गए, एक की बराबर दो हो गए, बाकी कॉन्सेप्ट वही है शायद। ये जो सोडा है इसको बनाते 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 रास्ते में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और भी आए हैं? गैमा भी है और डेल्टा भी है, तो दोनों में जो काम हो रहा है वो किसको फर्दर फाइनल करने के लिए हो रहा है? सोडा को, ठीक है जी। बाकी आप करें, मैं वैसे इसको 10 and 60। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट ले लिया, करें कंप्लीट करें बड़ा, मेरे फाइनल फिगर्स बस बताइएगा, छोड़ दें अरे सब, फाइनल फिगर बताइएगा।
जी सर, कहाँ तक पहुँचा सर? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सर अगर दो डिपार्टमेंट्स में तो सिंपली प्लस हो सकती है, तो 28.73 मिलियन प्लस 719 ट्रिपल जीरो कर रहे सर जी, F1 वाले नौजवान कर रहे सर। ये इसकी सेल वाली बताइए किसने कर ली सोडा की? नहीं इस वक्त हाँ शुरू में 60 से मल्टीप्लाई करेगा 3599 जान दे यार, हजरत जाने दे, पहले कुछ कहते हैं आप बच्चों की मान के बताते हैं। लास्ट में 3599 आगे के 8 अच्छा 8 भी है सॉरी 8560 35.99 मिलियन ठीक है जी सॉरी। करें करें वाइंड अप करें अपना 6849 5600 6849 5600 एलोकेशन करें 2047 12 पीस से यूज तो हो गए नहीं। मैंने कोशिश बहुत की कि आपको इन दिनों में तंग ना करूं, एक एक सवाल रिवाइज ही कर रहे हैं आप लोग, होपफुली आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जी सर एलोकेशन बता दो एक सेकंड जस्ट अमेंड 58 जी डी उसके बाद आगे आ जाए
डबल फोर सेवन जीरो टू फोर टू, जिनका यहाँ तक सही है फिगर्स, बी रिक्वायरमेंट भी है शायद, बना ले फाइनल का इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ईच प्रोडक्ट एंड टोटल करेंगे। माइंड अप कर दे सर, बस किसी को कोई कंफ्यूजन अगर इन फिगर्स में, बाकी बेटा माइंड अप कर जाओ ना स्टूडेंट्स। ये वर्किंग लिख ली भी समय, कोई वर्किंग तो नहीं नोट कर रहा जो ऑनलाइन स्टूडेंट, वर्किंग नोट तो नहीं कर रहे सर, करें सर ठीक है, सोच रहे मेरी तो स्टॉक्स नहीं बचे हुए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल सारी फिगर्स टेबल में भी आ रही है, ठीक है लीजिएगा सही। ये स्टॉक्स तो नहीं नजर आए सर, ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, क्या ही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब कैसे आएगी। कोका में, कोको में 204,758 इज शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 81 लाख, सही है ये ठीक है बेटा। सोडा में सर शेयर फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अब दो डिपार्टमेंट्स में थी कंबाइन हुई भी है 2,944,000
सोडा का बनाते बनाते दो डिपार्टमेंट्स में काम हुआ, मिल गया फिगर्स, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8304757578 33919242। भले ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि स्टॉक सभी थे तो देर पर अब यही कॉस्ट ऑफ सेल बनने लगी है, बाकी मेरे ग्रॉस प्रॉफिट तक इंफॉर्मेशन है सर। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट बता दो 9542 and 20 7979318। जी फ्रेंड्स, एवरीवन फ्रेंड्स, हो गया सर, कोई कंफ्यूजन कहीं? एवरीवन फ्रेंड्स वैसे है कौन कौन? सारे नहीं, सारे नहीं, सारे हैं। नहीं, कुछ बात चल पड़ी आगे सर, तो बात समझ आना शुरू होगी सीक्वेंस वर्किंग। अगर कर लिए तो बता दो, मेरे ख्याल फिर आज बस करते, मंडे से मैं नया टॉपिक अब स्टार्ट करूंगा। डेफिनेटली टेस्ट वगैरह होने चाहिए, लेकिन इन दिनों में टेस्ट अब आपने सही तरह देने नहीं है, कम से कम मेरे ख्याल रिवाइज ही करते रहे, अच्छे वक्तों में इंशाल्लाह फिर टेस्ट ही टेस्ट है। अब डेफिनेटली ईद की छुट्टियां होनी तो है, लेकिन अभी आधे रमजान हुआ है तो ईद की छुट्टियां ईद पे ही होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। बाकी आप जहां भी होंगे मेरी आवाज आपका इंतजार करेगी, मैं रोक तो नहीं सकूंगा, लेकिन ये जरूर रियलाइज करवा सकूंगा कि ईद के बाद एक और ईद आनी है, लेकिन उसके बाद असल काम आना, तो उसकी प्रिपरेशन करें। बाकी ठीक है, सबको साथ साथ ही रिजल्ट पता नहीं कब आ रहा, हो गया फाइनल 26। चले बारह वो देखते हैं इंशाल्लाह, अच्छे वक्त अच्छा वक्त जब भी आ जाए अल्लाह का शुक्र। जी सर इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी, लेकिन कल का दिन अब जाया भी हो सकता है और थोड़ा सा रिवाइज भी हो सकता है, कम से कम ये आखिरी तीन सवाल एक दफा दोबारा देखने चाहिए। अल्लाह ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।